यहां की कई सारी सिटी काउंसिल्स में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। सिडनी ओपेरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ तो यहां हर भारतीय का दिल खुश हो गया। हिंदुस्तान में भी जय जयकार हो रहा था और इसके लिए मैं न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे क्रिकेट के रिश्तों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है उतनी ही गहरी ऑफ द फील्ड हमारी दोस्ती है। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया की अनेक विमेन क्रिकेट प्लेयर्स भी पहली बार भारत में आईपीएल खेलने आई थी। और साथियों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी हैं। अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है, दुख का भी साथी होता है। पिछले साल जब महान शेन वॉन का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। यह ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है। साथियों, आप सभी यहां ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहां के विकास को देख रहे हैं। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सपना आपके दिल में है वो सपना मेरे दिल में भी है। ये मेरा भी सपना है, 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। साथियों, भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है, रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है
वो है आज जो देश दुनिया में नंबर वन स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर वन है वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर वन है वो देश है, वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर दो पर है वो है, वो है। आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश राइस वीट शुगर कैन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर दो पर है वो है, वो है। आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर दो पर है वो है, वो है। आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो है, वो है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट जिस देश में है वो देश है, वो देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट जिस देश में है वो देश है, वो देश है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है, वो देश है। साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। दुनिया में 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बीच भारत ने बीते वर्ष रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व नई बुलंदियां छू रहा है। फ्रेंड्स, भारत ग्लोबल गुड के लिए कैसे काम कर रहा है इसका उदाहरण हमारा डिजिटल स्टैक है। आप सभी भारत के फिनटेक रिवॉल्यूशन से भलीभांति परिचित हैं। आपको याद होगा जब मैं 2014 में यहां आया था तब मैंने आपसे एक सपना साझा किया था। मेरा वो सपना था कि भारत में गरीब से गरीब का अपना बैंक खाता हो।